आज हमारा परम सौभाग्य है जो हैदराबाद के नवाब को हम सुनते थे, आज उनके पड़पोत्र हमारे सामने हैं। और भाई सबसे जब हम सुन रहे हैं, और सबसे बड़ी विशेषता भाई सब कुमार हैं। अभी बोले मेरे को बहुत लोग बोलते शादी नहीं किया है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। अब एज हो गया, अब मेरे को बोलते बूढ़ा हो जाएगा कौन देखेगा। मैं बोली ये आपका घर ही इधर आ जाए। तो भाई साहब इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हैं। हमने बोला हमने आपके राजा साहब की ज्वेलरी भी देखी है, बोले वो कचरा ज्वेलरी है। तो बहुत सुंदर कहानियां हैं जो हम लोग कभी सुने भी नहीं हैं, लेकिन हमने जो सुनी है वो कहानियां कुछ ऐसी झूठी मूठी भी हैं, सच्चाई आपके पास है। लेकिन भाई साहब भी बोल रहे मैं 7 साल का था, उतना तो मुझे भी ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो बाहर लोग बोलते हैं वो अलग है, हमको जो मालूम है वो अलग है। तो आज बहुत सुंदर बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हम लोग भाई साहब के साथ हैं, और रात तक हमारे साथ रहेंगे। आप लोग बैठे रहना सभी, हाँ, क्योंकि हम भी राजा महाराजा बनने वाले हैं ना, तो वो क्वालिटीज़, वो वैल्यूज़, किस तरह का सिस्टम कलयुग के राजाओं का था और सतयुग के राजाओं का क्या होगा। तो आज हम इस दरबार में अपने रौनक भाई साहब का, उनको हम सतयुगी महाराजा बनाने के लिए अभिनंदन करते हैं। हम अपने भाई बहनों से कहेंगे कि भाई साहब को अभी सतयुगी राजा का श्रृंगार सम्मान करेंगे, और उसके बाद उनसे सुंदर सुंदर कहानियां सुनेंगे और अनुभव करेंगे किस तरह राजाई जीवन था, राजाई ठाट थी, उनके जीवन में कितने कष्ट आए और किस तरह से उन्होंने प्रजा की सेवा की। तो बहुत सुंदर कहानियां आप सब भी सुनेंगे, और ये सुनते सुनते हम तो मगन हो गए। हम भाई साहब को बोले चलो अभी, बोले पहले सुन तो लो फिर मेरे से पूछना। तो हमने इंटरव्यू तैयार किया भाई साहब का। Thank you.
ताल पर संग संग हम हिल मिल जाए हरदम। ताल ताल पर संग वसंता बहन अभी प्रश्न पूछेंगे और आप सब उत्तर सुनेंगे, जिसमें आपको सुंदर कहानियां मालूम होंगी। आज ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारीज शांति सरोवर में एक सुंदर समागम हो रहा है और साथ साथ यहाँ पर जैसे कि एक बहुत बड़ा सा महोत्सव लग रहा है, क्योंकि जिनको हम आज सम्मुख देख रहे हैं, साकार में देख रहे हैं, वो जैसे कि प्रिंस ही है। लेकिन तो हम सब पहले भाई साहब का तालियों से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ही इज नन अदर देन प्रिंस ऑफ हैदराबाद रौनक यार खान जी, हु इज़ अ वेरी लिबरल इन नेचर, वेरी मिलनसार है, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं हर एक के साथ। ऐसे नहीं लग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आपसे, जैसे कि हमारा नाता रिश्ता पहले से है, ऐसे लग रहा है आपको देखे तो। तो आपको शांति सरोवर में कुलदीप दीदी के ओर से, पूरे ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर के ओर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई साहब। आपका आना यहाँ पर सही में जैसे आज एक बहुत अच्छा सा महोत्सव लग रहा है। लास्ट वीक हम दो दिन का बहुत बड़ा सा महोत्सव सेलिब्रेट किया, लेकिन आज भी ऐसे लग रहा है जैसे और एक महोत्सव चल रहा है यहाँ पर। आपका आना बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन शांति सरोवर एंड स्पेंडिंग योर टाइम विद अस। आई विल से थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ मोर प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू। तो हम सभी जानते हैं, अभी तक सुन रहे थे उनका नाम, कभी मे बी YouTube में देखा है या पिक्चर्स में देखा है, लेकिन आज पूरा परिवार आपको सन्मुख में देख रहे हैं। और साथ ही साथ निजाम्स की जो कहानियां हैं या उनके लाइफस्टाइल है या बहुत सारे कहानियां जो गलत रूप से बहुतों को परिचित है हैदराबाद भाग्यनगर में, लेकिन आज एक पॉइंट गलत है, वो ऑफ द मर्सिडीज, राइट। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो गलत भी लिखा है और बोल में भी ऐसे बोल दिया है, लेकिन आज यहाँ पर आप आना और आपके मुख से जो सही कहानियां है वो सुनने में मिल रहा है, इसके लिए हम सभी बहुत खुश हो रहे हैं। यस। तो भाई साहब, आपके फैमिली के बारे में मालूम है और उनके जो चैरिटीज है वो भी मालूम है, पूरा भाग्यनगर जो बना है, हैदराबाद जो बना है, तो उसके हर चीज में जैसे निजाम का दिखता है। चैरिटीज तो उनका काम ही था ये हैदराबाद में ठीक करना, लेकिन आप जनता एलोरा केव जो है वो महबूब अली खान के जमाने से he started refurbishing it, usko kya bolte hai usko phir recondition karne ke liye ji, he started an organization with archaeology department which was created by the last nizam, formalized with a person from Iran and his name is Mr. Yazdani. So he, there was a dedicated department looking after old monuments. Old monuments wo to zyada tar temples hi the yahan ji ji, because the culture here was existing from like 1000 years. These people came only some 300 years ago. Yeah, they ruled for 223 years. But purane jo monuments hai wo to temples hi the, masjids wagera to baad mein bane. To unka majority budget was towards renovating temples. Abhi ye Ramappa temple kuch hai ji ji, that also was done by the Nizam. But they don't say that, the present government, nobody wants to say they are the ones who did it. And he used to contribute to this Telugu University and all that, which had nothing to do with Hyderabad. Yeah, he did a lot of charity to many organizations. But now, because it's politically an advantage to say that those guys are different and get the majority vote, they try to portray it in a different way, which is understandable. So, because those days they used to fight with a sword. Yeah. Now they fight with lies and cleverness. Like, you know, so you have to tolerate it. What can you do? Yeah, that's a good thing. So here, God is teaching us how we have to get back to that value-based system once again. As I was listening from you, your doctorate of communal harmony,
सो दैट इज व्हाट इट टीचर्स अस दैट हाउ ही इज लिबरल. हाँ, कितना सभी के साथ मिलजुल के रहते हैं. कोई भी ऐसा धर्म जाति भेद कुछ भी नहीं है. उस रीति से आपने सभी को उस तरीके से सभी से मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है. आप गूगल करें मेरे तस्वीर में, वो होली के पार्टीज के ज्यादा है बनिस्बत कोई और चीज के. आई यूज्ड टू हैव अ होली पार्टी लास्ट 50 इयर्स. या व्हिच इज बिगर देन द गवर्नमेंट पार्टी. न्यूज़पेपर में इतनी जगह में क्वार्टर स्पेस गवर्नर को मिलती थी. वो थ्री फोर्थ पेज मेरे को मिलता था वो. In terms of that. But now it's commercial. Now लोग पैसे देके टिकट बेच के कर रहे हैं जी. और वो पेपर को भी देते हैं लेकिन एड उनको ज्यादा मिलता होगा. मेरा तो फ्री का है, मैं अपने से खरीदता था. Just for that, तो इसमें मालूम होता है आप कम्युनल हार्मनी कितना है. वो जमाने में हम कम्युनल हार्मनी सोच के भी नहीं करते थे. कम्युनल हार्मनी अब सोचना पड़ रहा है. जब वो ऐसा था ही नहीं ना, जैसा वो दिमाग में ही नहीं आता था कि किसी और का क्या बोलते फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं. समझे ना, इट वॉज अ गुड फेस्टिवल. बचपन से कर रहे हैं, दोस्त सब है, सब जाके खेलते थे. सोचते भी नहीं थे कि ये वो है, मैं ये हूँ, तो कम्युनल हार्मनी के लिए मैं कर रहा हूँ, बल्कि वो दिमाग में भी नहीं आता था. तो जैसे कि निष्काम है, कोई सोच ही नहीं है. वो सोच था ही नहीं वहाँ पे. राइट, मैं रिक्वेस्ट सब आपको देखना चाहते हैं. आपका सॉरी, आपका फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स दे वॉन्ट टू सी यू एंड एंजॉय यूर लिसनिंग. या I like looking there because my nose is broken. From here you can see it, from here you can't. So anyway, no problem. तो पहले हम शुरू करना चाहते हैं. आपके मतलब आप आने के पहले से ही जो राजाई है वो सब तो समाप्त हो गया है. लेकिन यू हैव हर्ड, यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज palace and what was the lifestyle in the palace. वहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं क्योंकि आज मुझे first time सुनने को मिला कि निजाम माना क्या है. What is the meaning of निजाम? Title. Meaning itself is the law. मतलब which is bigger than the government actually. हाँ, तो ऐसे निजाम के सामने हम बैठे हैं. तो आपके जो पैलेस की स्टोरीज है, लाइफस्टाइल क्या रहती थी, थोड़ा सा हम सुनना चाहते हैं. No, as I told you, it's बहुत फॉर्मल होता था उस जमाने में. जैसा आई थिंक जितना जैसा पेरेंट्स रहते, बिकॉज दे ऑल रूलिंग समथिंग, इवन द लोअर पीपल लाइक द यू नो दे ऑल लाइक हाउ डू यू से द नोबल्स, दे ऑल गवर्निंग सर्टन एरियाज लाइक यू नो लाइक अंडर द निजाम. सम पीपल वुड बी governing areas in Karnataka which are Bidar and all that. Somebody would be governing some area which is, you know, like governing the jagis and getting the taxes and giving it to Nizam. That would be in Maharashtra. Maharashtra was also part of Hyderabad till Aurangabad. Aurangabad was the first capital, in fact. So then they came till here and they took over Golconda. So there people didn't have time for even their own children, for example. And my mother's brothers and all that, to meet their own parents, like they were given a certain time, like an appointment. So they would, you know, be given like maybe like 1.5 hours to go and have lunch with their own father. And they'd be all dressed up. You couldn't just walk into your father's house just like that, dressed in any way, sit in his lap and spoil his clothes or something. So, you know, so you'd get an appointment maybe once in 3 days and you'd just go and it was very formal. So that's why, you know, love between siblings and all that, that's not so powerful. It's like, you know, they're all very disconnected. Not so strong. And there's a lot of protocol. Like my, I forgot to tell you, like yesterday's event, you know, like by those Arab and African guys, they chose me as a chief guest yesterday. One of my generation who ruled, my mother's own sister's son, his name is Sultan Ghalib. He was a ruler of Yemen and he became king when he was 14 years old. Like Mahbub Ali Khan, sixth Nizam became when he was 2 years old. So this man actually ruled. He's from my generation, my first cousin. Mm-hmm. And Jiojo. So thode words usme to ye inka unki riyasat jab unko sambhalne mili jo 14 saal ki umar thi unki aur wo arab log bahut lakh type hai wo kya bolte hai bedouin bolke unka to baat nahi karte pehle chaku chala lete bandoosh chalate waisa तो ये नो बहुत खूबसूरत है मेरे कज़न. तो उन्होंने पूरा टाइम महीने में देख के गुस्से की सूरत बनाते थे लोगों को डराने के लिए. फिर 14 साल के बच्चे से कोई डर रहा, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा था. मगर फिर भी इतना प्रोटोकॉल है कि मेरे को लकीली मैं बाद में पैदा हुआ, मेरे से 10 साल बड़े है.
तो मैं जब तक पैदा हुआ तो रियासत ख़त्म हो गई थी, वो रूल ख़त्म हो गया था, डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। तो मेरे को उतना वो नहीं है उनकी तरफ, वो रिस्पेक्ट जैसा पैदा ऐसे नहीं है ट्रेनिंग। तो फिर भी मैं थोड़ा, मेरे को मालूम है मेरे उम्र में बड़े रिस्पेक्ट देते, लेकिन मेरे से जो बड़े पैदा हुए उनके दूसरे जो भाई भाई वगैरह है, जब उनके सामने समझो जो कमरे में खड़े हुए, वो गलती से अंदर आ गए समझो उनके भाई भाई वगैरह, तो बड़े भाई दिखते वो सलाम नॉट ओनली नमस्ते, खड़े जाना पड़ता वहाँ पे। और जब तक वो जाओ नहीं बोले, आप नहीं जा सकते, खाली खड़े रहना आप। अब दूसरों से वो बात कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आप ऐसे ही रुके रहना पड़ता हो जब तक कि वो पलट के बोले या डिसमिस्ड, वो तो आप ओके यू कैन गो बोले तो जब जाना आप, जब तक वो तरीका है उनका रुके हुए रहना। और कई उससे जूनियर जैसा कमिश्नर पुलिस वगैरह जो थे, वो लोग ऐसा पलट के भी नहीं आ सकते, जैसा वन यू काम खत्म होगा तो दे कांट गो, दे हैव टू गो बैकवर्ड्स, रिवर्स पीछे देख लेते जाना पड़ता था, पीठ पलटा ही नहीं सकते आप। तो आप जैसा बोल रहे हैं ना उसका, तो पार्ट ऑफ दैट वॉज देयर, बट मेरे ज़माने तक तो तकरीबन, और हम लोग वी आर वेरी फॉन्ड, जो पूरे काम वालों को निकाल दिए थे वगैरह, जिसको हम लोग रख लिए थे हमारे पास, फिर भी तो वो पीढ़ी ना पीढ़ी से थे, तो उन लोगों से अटैचमेंट भी हो जाता। मेरा सबसे बड़ा अटैचमेंट मेरी कोई, शी वॉज अ स्लेव, अफ्रीकन स्लेव थी एक बच्ची, तो शी यूज़ टू रिमेंबर कोई जगह से आई उन्हें कुछ सिद्धिपेट से, सम सिद्धिपेट रानी और समथिंग गिफ्टेड हर टू माई ग्रैंड मदर, तो मेरे घर में रह गई एंड शी वॉज मेंटली रिटार्डेड, तो उसकी शादी वादी करके भी नहीं भिजा सकते, उन्हें 7 साल की लड़की का दिमाग था उसका, उसको आइडिया नहीं था रस्ते पैसे कैसा गिनना वगैरह, तो हमारे घर में रख लिए थे, तो हम ना मैक्सिमम अटैच हो गए थे उससे। तो जैसा माँ मेरे ज़्यादा काम बोले तो हम ना पूरी लड़ते थे माँ से कहीं उसको काम दे रहे हैं। तो एंड वन ऑफ द ट्रेजेडीज, आई वॉज इन दिल्ली व्हेन शी डाइड एंड आई केम टू फाइंड अ ग्रेव, देन उसकी ग्रेव नहीं मिल रही थी, तो मैं उसको पैसे दिया एक 2000 रुपये ग्रेव ढूंढने, तो मेरे को कुछ की ग्रेव बता दिया उन्हें, तो मैं समझ गया इसको पैसे दे दो, उन्हें उन्हें ग्रेव नहीं बताएगा तो मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, तो उन्हें किसकी भी ग्रेव बता दिया होगा वो। तो देन आई स्टॉप रियलाइजिंग कि उन्हें उसकी ग्रेव है या नहीं है, वो भी डाउट में आ गया हो कि नहीं, झूठ बोलने कम नहीं है ना, वो पैसों की खातिर यही हिसाब बोल के। बट अब फनीली माई मदर वॉज रिलीजियस, सो शी वॉज सम काइंड ऑफ अ पीसफुल पर्सन, एंड इन रिलीजन वन थिंग दे डू इज दे मेक यू फील इन द आफ्टर लाइफ। तो यहाँ पे आप बॉदर्ड ही नहीं रहते, यू फील लाइक यू गॉट बेटर अकोमोडेशन, बेटर रिजर्वेशन समवेयर एल्स, लाइक तो वो लोग डरते नहीं हो। तो माई मदर वॉज कम्फर्टेबल एंड आई डोंट हैव दैट एक एंड पेन ऑफ माई मदर। बट दिस लेडी, दिस स्लेव, आई इवन नाउ आई एम गेटिंग इमोशनल नाउ, बिकॉज she never had a good time, always felt that I will, you know, retire her, give her a good life, maybe give her another, you know, person to take care of her when she became old. वो चांस ही नहीं मिला, मैं दिल्ली में था वो मर गई हूँ यहाँ पे। तो अब मेरे को मेरे माँ से ज़्यादा वो याद आती, क्यों है नहीं मालूम। तो वैसा भी था, तो इट्स लाइक यू कैनॉट से स्टैंडर्ड के, यू नो, वहाँ का माहौल क्या था बोल के, ऐसे अटैचमेंट भी हो जाते। अब माहौल तो आपका रहना आपके कोई ऑफिस के लोगों के साथ, ये तो स्लेव थी, स्लेव इज नॉट इवन लाइक ट्रीटेड ऑलमोस्ट लाइक यू नो सब ह्यूमन, नेक्स्ट टू सब ह्यूमन रहते हो। But feelings are feelings, so that happens with anyone to anything. Imagine, but it shows your human values. जो रहता सो में रहता हो, थोड़े लोगों में ज़्यादा रहता है, थोड़े में कम। Yeah. तो थोड़े लोगों को they have to suppress because they have to get an advantage to be voted or something. They have to lie. Maybe inside they also guilty, but they know अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे तो वोट नहीं जीतेंगे, तो झूठ बोलना ही पड़ता है। जी, बहुत अच्छी कहानियाँ है ये सब। भाई साहब, हैदराबाद is known for सालार जंग म्यूजियम। जी, जो भी आते हैं टूरिस्ट भी यहाँ पर फर्स्ट थिंग सालार जंग म्यूजियम देखना चाहते हैं, और फलकनुमा पैलेस है, ये सब। तो इसके साथ जो स्टोरीज है अब, और जो आज देखते हैं हम म्यूजियम में, उसका और जो ओरिजिनल जो है वो हम सुनना चाहते हैं। सालार जंग मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे सर विखार, तो वो फलकनुमा पैलेस बनाए थे अपने शौक के लिए। तो वो शादी करे सिक्स निज़ाम की बहन से, तो एक दिन उनके ब्रदर लॉ को इनवाइट करे वो कहाँ पे, वो पैलेस में इन फलकनुमा, तो वो इनवाइट करे एक दिन के लिए, वो रात को रह गए, नेक्स्ट डे भी रह गए 2 दिन। तो वो जब बाहर आए तो इन्होंने पूछा कि आपको पसंद आया क्या, तो द किंग, दैट वाज अ स्टूपिड क्वेश्चन, बिकॉज वो किंग बोले हो मेरे को बहुत पसंद आया। तो वो ज़माने में आप जो बोल रहे ना, रिवाज था कि कोई चीज़ अच्छी है तो आप ही की है बोल के दे देते हो, ये तो किंग है, अगर आप ही किए नहीं बोले उन्होंने गुस्से में आ गए तो पैलेस भी नहीं रहता, यू नो वेरी पैलेस है बिकॉज ऑफ द किंग। तो ये तो इन्होंने बोले कि मैं आप ही की सोच के, यानी आपकी सोच के हिसाब से बनाया, बोल तो जब मैं बनाया आप ही की, आपको दिमाग में रख के बनाया, यानी आप क्या पसंद करिए, जैसे कि आप ही के लिए बनाया बोल के ही लेफ्ट द प्लेस विद द होल पैलेस टू हिज ब्रदर इन लॉ। तो द ब्रदर इन लॉ वॉज अ सिक्स निज़ाम महबूब अली खान, बट ही वॉज अ वेरी वेरी सेक्युलर, आप जैसा बोल रहे हैं ना, ही वॉज अ वेरी सेंसिटिव गाय। सरोजनी नायडू की एक टीयर्स ऑफ महबूब बोल के पोइट्री है, जो 1908 में फ्लड्स आए तो वो रोते फिर रहे थे, वो पागल की तरह हो गए थे वो गम में किंग, तो उनके बारे में है वो सिक्स निज़ाम। और वो जो फ्लड्स आए थे
वहाँ पे उनको दिमाग में आया कि लोग जो सफ़र कर रहे थे ज़्यादा हिंदू थे, तो उनको वो करने के लिए क्या बोलते हैं सेव करने के लिए दे थॉट हिंदू गॉड्स को शायद पूजना उनके लिए, तो ही स्टार्टेड डूइंग पूजाज एंड ऑल दैट इन हिंदू टेम्पल्स, ही स्टार्टेड डूइंग यज्ञ एंड जो आपके लेक्स के जो इंचार्ज है क्या अभी बोला ना मैं नाम उनका विश्वेश्वर है, विश्वेश्वर वॉज एन इंजीनियर, ही इज अ नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, ही वॉज मोर ऑफ अ साइंटिफिक मैन, तो ही वॉज प्रेजेंट वेन द निजाम डिड द यज्ञ, और वो यज्ञ वो फ्लड वाटर्स में उतर के करना पड़ता, दैट मीन यू आर रिस्किंग योर लाइफ, तो ही डिड द यज्ञ और उनका वो है क्या बोलते हैं उनका जो वो है उसका जो हुआ हिस्सा जो बयान करे वो कि वो बोले वो यज्ञ करते हो पानी कम होने लगा जो 15-20 दिन से कमी नहीं हो रहा था वो, तो जितना तेज चढ़ा जब फ्लड आई उतना तेज उतर गया बल्कि, तो आई एम नॉट वेरी सुपरस्टिशियस, आई डोंट से इट कि माई ग्रैंड फादर हैड द पावर्स, दो लॉट ऑफ पीपल से दैट उनका नाम लिए तो सांप का जहर कम हो जाता था वगैरह, कई उनके स्टोरीज है एज अ सूफी, एंड सरोजिनी नायडू की मैं पोइट्री आपको भेजता हूँ, वेयर शी सेड दैट ही वॉज लाइक अ कंसिडर अ सेंट, सपोज आप कोई हिंदू लोग भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मनी इन द बिजनेस दे वुड मेक अ ट्रिप टू हिज ग्रेव एंड ऑफर द चादर एंड ऑल दैट एंड मेक अ क्या बोलते हैं विश टेक हिज ब्लेसिंग्स फॉर द बिजनेस, उत्ता फेथ हिंदू और मुस्लिम में, आई एम फ्रॉम अ सुन्नी सेक्ट, वी आर नॉट सपोज टू डील विद एनी मिडिल पर्सन, वी आर सपोज टू कनेक्ट डायरेक्टली विद गॉड, तो शियाज बोल के वो छोटा 20% के रहते वो लोग, तो एज इट इज मुस्लिम्स आर दैट टाइम बाई 15%, उसमें समझो शियाज बोल तो 5% ही हो गए ना, वो उससे भी कम हो गए, बट हिंदूज तो देर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन गोइंग टू अ ग्रेव, तो देर मोर हिंदूज कमिंग टू महबूब अली खान्स ग्रेव दैट टाइम टू सप्लीकेट इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड इन महाराष्ट्र यू नो देयर इज अ रेलवे इंजीनियर वो सपोज टू ले रेलवे ट्रैक्स, महबूब अली खान ओन्ड द फर्स्ट रेलवे बाय द वे, इट वॉज पर्सनल प्राइवेट रेलवे, ही गेव इट टू इट कनेक्टेड विद अ नेशन लेटर, सो इट वॉज स्टिल बॉम्बे, बॉम्बे कोई वादी वादी कोई जगह है वहाँ तक, तो दिस रेलवे इंजीनियर हु वाज अ ब्रिटिश गाय ही रोट अ बुक, तो रास्ते में ही फाउंड मेनी डोम लाइट टेम्पल्स ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से यू नो व्हाट आर दिस कॉल्ड टूम्स, बट टूम में बॉडी रहती बट निज़ाम की बॉडी यहाँ थी, तो वहाँ पे उन्होंने बॉडी वहाँ टूम बना लेके उन रख के क्या बोलते हैं डॉल रख के वहाँ पे उन्होंने पूजा करके देवास की मूर्ति, हाँ तो मैं वो जाके ढूंढना चाह रहा था वो टेम्पल्स किधर है वही, बट देन कोविड आ गया तो रुक गया हमें, so I'm not for that, just to show that so much you know brotherhood was there. जी पहले I bought some book पुराने निजाम का जो ट्रस्ट मैं बोला, देखो आप ये एलोरा अजंता के टाइम पे फॉर्मल उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर्म करे, अजंता एलोरा वॉज लुक्ड आफ्टर हैदराबाद इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल महाराष्ट्र वॉज फॉर्म, महाराष्ट्र वॉज फॉर्म मच आफ्टर इंडिपेंडेंस लाइक इन 1947 और 55 में, 47 में इंडिपेंड हुआ 55 में महाराष्ट्र बना स्टेट जब अलग अलग हुए, तो आफ्टर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टेड टू महाराष्ट्र, अदरवाइज हैदराबाद वॉज लुकिंग आफ्टर अजंता एलोरा टेम्पल्स ऑल्सो, सो द बजट सी हैड फॉर दैट वेर लाइक समथिंग लाइक 70% 20% फॉर मॉस्क, तो लॉट ऑफ मुस्लिम पीपल थिंक दैट ही वॉज अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑफ वॉट यू नो आई मीन यू आर गिविंग हिंदूज 80% एंड यू नो तेलुगु यूनिवर्सिटी को उतना दे रहे हैं यहाँ पे इतना मुस्लिम को कम दे रहे हैं, पर द लॉजिक इज मुस्लिम जब भी आए थे वो लोग तो उनके मस्जिद वगैरह कम थे ना, वो हिंदू टेम्पल्स तो एक्यूमुलेट हो गए थे 1000 साल से 2000 साल के टेम्पल्स है वो जमा हुए, तो उसकी अपकीप के लिए ऑब्वियसली द एक्सपेंडिचर वाज मोर, सो ही हैड दैट, तो वो बोला था मैं आपको कि टेम्पल्स पहले से थे एंड दे वर इन वर्स कंडीशन, वो पुराने थे तो दिस वॉज वो अपकीप, तो पुरानी चीज़ को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसे लगते हो, तो आई बॉट दोज बुक्स पूरे जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स थे ना वो एक्सपेंडिचर के वो किताबा खरीदा, अब वो खोल के पढ़ने टाइम नहीं, इतने मोटे मोटे किताब आए इंटरनल उनके जो खर्चे होते थे टू यू नो दैट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गिविंग देयर अकाउंट्स टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो पुराने किताबा ले लिया मैं मिले तो बहुत अच्छी बात है भाई। कम्युनिटी सर्विसेज कम्युनिटी डोनेशंस जो है बहुत कुछ किया है, जैसे कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल हम देखते हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट द निजाम ज्वेलरी, एक्चुअली दैट ज्वेलरी वॉज एस्टिमेटेड बाय सदवीज at about 10,000 crores 30 years ago in from London 30 years ago 10,000 crores uska value tha, ab government kya kar rahi hai apna department bithai for evaluation, wo log evaluate kare 130 crores mein, samjha na aap, you know 10,000 crores jaake 130 crore ho, and that the jewelry if you notice that is part of a trust is like they make it for different thing like my you know like I'm not married and don't have kids but suppose I have kids I make a trust saying ki itne paise wo bachchon ke padhai ki taraf jana, and you appoint 4-5 people who will disburse the funds towards kya bolte towards educating kya wo bachchon ko, dusra aur ek wo rehta medical ke liye rehta hai trust for example, to
तो कोई बीमार पड़े तो उसके लिए, ये जो ट्रस्ट बनाए थे कि कभी वो फैमिली कभी मुश्किल में आ गई, कभी जरूरत हो गई या कोई टैक्स में कम पड़ गया या कोई पैलेस कॉन्फिसिएट कर ले रहे हैं, इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो कुछ ज्वेलरी बाजू रख दे के ये बेच देना, तो वो ज्वेलरी के तो कैसा भी एक वैल्यू तो आती थी ना, तो मगर जो ज्वेलरी रखे तो अच्छी अपने पसंद वाली तो नहीं रखेंगे ना, वो कहीं के लिए है, वो कमर्शियली कुछ पैसे आने के लिए निकाल देने के लिए है वो, तो जो भी आप चुनेंगे कि अपने दिल से पसंद वो तो नहीं चुनेंगे, खाली वैल्यू रहेंगे डायमंड है ये उसके तो आप मिनिमम पैसे आ ही जाते हैं आपको, उसको लोगों का पसंद नहीं है तो खोल के भी डायमंड्स को अलग बेच सकते, तो वो वैल्यूबल चीज़ें बाजू रख दे, लेकिन वो उससे कोई मोहब्बत नहीं थी वो ज्वेलरी के सेट से, तो वो लाजमी बात है ना, तो कोई भी बेचने के लिए वो कहीं रखेंगे, अच्छी चीज़ें पसंद तो नहीं देंगे ना, वो पसंद की चीज़ें रखे आप जो उतनी जो पसंद के नहीं है बाजू रख देते बेचने के लिए, तो दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग पीपल कि दैट इज़ द ट्रैश ऑफ दैट फैमिली, जो वर्ल्ड फेमस ज्वेलरी सेट है वो उन लोगों के लिए वो था कि जो नहीं पसंद था वो विच दे डिडंट यू नो रियली, हाँ उनके लिए जो नहीं पसंद था समझ लो, कचरा तो नहीं है उसके अभी भी 10,000 करोड़ तो कचरा नहीं बोल सकते, लेकिन उनके किसी की फीलिंग से नोबडी हैड एनी स्पेशल दिस थिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट सेट, वो नहीं देख सके वो कुछ भी नहीं है, जैसा फलकनुमा है इट हैज़ 101 क्या बोलते हैं डाइनिंग सेट, तो वर्ल्ड का बड़ा है, तो ही हैड अ गोल्ड सर्विस, सर्विस बोल तो आपका प्लेट साइड प्लेट कटोरे सूप बोल एवरीथिंग वॉज मेड आउट ऑफ गोल्ड, एक भी नहीं है एक गलती से कहीं कांटा या उसका छोटा चमचा कहना कहीं मिलना था बोलने के लिए अरे वो सेट का है बोल के वो तक नहीं मिला अब तक, और थोड़े हो भी जाते मेरे पास ग्लासेस थे मैं कभी नहीं समझा, दिखने में बहुत सिंपल थे तो बाद में समझ में आया वो क्रिस्टल है और अंदर बहुत ही इंट्रिकेट कुछ वो उस पर लिखा हुआ था, तो आई वॉज वेरी यंग देन मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ 15-16 साल का था, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था वो, तो मैं वो ग्लासेस 144 हमने आपस में फैमिली में ऑक्शन हो गए थे, तो 140-50 12 dozen ग्लासेस ला लिए थे, तो मैं लोगों को बांटता था गिफ्ट के साथ देता था वो, और वो ज़्यादा शर्मा के भी देता था बिकॉज दिखने में बहुत ऑर्डनरी है वो, कुछ डिज़ाइन कुछ एलेबरेट नहीं है, बट दैट कट ग्लास वॉज अ टॉप इन द वर्ल्ड और इनग्रेविंग वॉज टॉप इन द वर्ल्ड, व्हेन आई रियलाइज द वैल्यूएबल, जब तक मैं पूरे दे चुका था तो मैं दो ग्लासेस मेरे पास रह गए, तो उसको डुप्लीकेट करने का हमें, तो मैं समझा वो जमाने में हाथ से बनाया, ये तो लेजर आजकल आ गया उससे हो सकता, तो वो बन रही नहीं कहीं भी नहीं बन रहे, पैसे देते देने ये आप तैयार है तो नहीं बन रहे, तो मैं बोला लेजर है क्या प्रॉब्लम क्या है, तो बोला साहब ये पहले आप गर्म करते हैं वो शेप आता ग्लास का वो बिल्कुल परफेक्ट है ना, उसके अंदर भी नुकसान जा रही उसमें एक भी गलती नहीं आना, गलती आए तो फिर से पिघला के फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता, तो उन्हें बोल रहा कुछ 17-18 ग्लासों में एक ग्लास सही निकलती, तो पूरे 17 ग्लासेस की कीमत वो एक ग्लास में है समझो आप पूरा पिघल के करने, तो ही सेइंग हु इज गोइंग टू डू ऑल दैट नाउ, कोई नहीं कर सकता बोल के, तो दो रह गए मेरे को इतनी कोफ्ते हैं मैं बांटते भी रहा हूँ लोगों को, वो भी शर्मा के बांटता था वो दिखने में वो इम्प्रेसिव नहीं है बोल के, तो वैसा ही हो गया वो जो लोग है मेरे को अभी भी पूछते लोग कि आपके ने एंटिक्स नहीं है क्या, तो मैं बोला मेरे को एंटिक्स इसलिए नहीं है, उन्होंने बोले ऐसा कैसा नहीं रहते आपके ने एंटिक्स, मैं बोला अभी लोगों के लिए एक अजूबा है वो कि वो पैलेस का है वगैरह हम ना पैदा हुए आप घर में से सुबह से शाम तक वो यूज़ कर रहे हैं आप, वो हिल गया खराब हो गया तो आप फेंक देते ले आके, आप थोड़ी सोचते आपके घर की चीज़ें एंटीक है इसको बना लेना और एक मेज ले लेते जाके, तो वो जिसके है वो उनको उतना वो नहीं रहता उसका वैल्यू, आप समझ में आ रहा आप ढूंढते फिर रहे ना जो फेंके से चीज़ें कहाँ फेंके वही जाके वैसा हो गया वो, तो एक एक चीज़ के लिए हम ना खुद अब और हम लोग भी क्या है अभी भी कई चीज़ों की वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू कैसा होती बोलते मैं न्यूलाइज इतने लोग वैल्यू कर रहे हैं तो उनके लिए ढूंढना पड़ रहा जाके जैसा उनको जाके कम अज कम उनको तो भी बताएंगे इतना देखना चाह रहे तो मालूम है ना निज़ाम जब ज्वाइन करे इंडिया को तो उनके गुजारे के लिए बिकॉज उन्होंने टैक्स के वगैरह से जीते थे उनकी गवर्नमेंट थी चलाते थे, तो अब इंडिया को ज्वाइन करे तो इतने पूरे पैलेसेस वगैरह कौन झाड़ू देने वाला कौन रहेगा, एक एक पैलेस में खाली शैंडिलियर पहुँचने वाले 200 लोग रहते थे समझे ना, फलकनुमा के शैंडिलियर के 40 लोग खाली शैंडिलियर निकाल के पहुँचने के लिए 40 लोग थे वहाँ, तो हु विल मेंटेन, तो दे मेड एन एग्रीमेंट टू दैट दे विल पे द रूलर्स समथिंग समझा, पटियाला वगैरह को भी आपको मालूम होगा उन लोगों को भी प्रॉमिस करे कुछ पैसे, तो जब इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर शी ब्रॉट एन एनैक्टमेंट, जैसा मेजॉरिटी कुछ रूल निकाले तो इट बिकम्स अ लॉ एंड इन कोर्ट यू कैन ओनली आस्क फॉर द लॉ टू बी अप्लाइड, लॉ ही चेंज कर लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो लॉ में शी चेंज इट, वो प्रीवी पर्स जो देते थे वो जो रूलर्स को ज्वाइन करने के लिए गुजारे के वो कैंसिल हो गया वो आई थिंक 67 वगैरह, तो ये लोग परेशानी में आ गए बिकॉज इतना बड़ा घर है मेरा समझे आप, यहाँ पे मैं समझो मेरे को एक लाख रुपए इसको मेंटेन करने लगते हैं सडनली काट के मेरे को 1700 रुपए दे रहे तो मैं लाइट का गोला भी नहीं बदल सकूंगा, तो पूरे पैलेसेस बिल्कुल ही बर्बाद हो गए वो, एंड वो चौकीदार नहीं सके चौकीदार के ऊपर वो पहले चौकीदारों को डर रहता था कि आपको पनिशमेंट मिलेगा बिकॉज पावर था, अगर पावर हटा दिया तो वो चौकीदार आपको चोरी करने लग जाते समझे आप, उनको डर ही नहीं रहता ना, तो वैसे ही हो गया उसके वो 100 पीस का डिनर सेट गायब हो गया वगैरह हज़ारों चीज़ें गायब हो गए बिकॉज, और वो सके नाम बदल दिए
जैसा आप ये विकाराबाद है, मेरे पढ़ना ना हुई जो सर्विकार था ना उनका नाम विकाराबाद जो फलकनुमा बनाए, तो वो पूरी फैमिली के कोई 3000 गांव थे, 3000 लाइक वन इज फलक विकाराबाद, यहाँ से महाराष्ट्र तक समझा, बेगमपेट में जो रहता हूँ मैं, दैट इज ऑल्सो पाइगा विलेज इन दे आर द इन लॉज ऑफ द किंग समझा, बहन के प्रॉपर्टीज है वो जैसा। और मैं बोल रहा था अभी भी जो पब्लिक स्कूल गिफ्ट करिए फ्रॉम अ प्राइवेट लैंड शी गेव इट, सो शी गेव 90 एकर्स टू पब्लिक स्कूल विच वॉज आई थिंक इनिशियली 160 या 130 एकर्स था, इनक्रोच हो गया 130 हो गया, उसमें से 90 एकर्स इनके जाती थे, जाती जो अपने जेब से उन्होंने दिए, तो अभी भी उनके 180 एकड़ है बेगमपेट में, और उसको पान मख्ता बोलते, पान मख्ता बोलते पान के पैसे, बिकॉज आपके हस्बैंड से आप लड़ लिए तो जाके फिर पैसे भरना पड़ रहा, बोलते इस वेरी रात को लड़ाई हो गई, सुबह में बात नहीं हो रही, मैं जाके क्या बोलते आप कुछ ज़रूरत के लिए पैसे मांगना है एम्बेरसिंग, तो इन लोगों का खर्चे के लिए अलग रहता था वो, तो 180 एकड़ जो है वो उसका नाम वो जगह का नाम है पान मख्ता, तो मैं मजाक से बोल रहे समझता था वो, बाद में मालूम वो सही है वो भी और वो पब्लिक स्कूल गिफ्ट करे बोल के, मैं पब्लिक स्कूल में था तो मैं बिगड़ जाऊँगा बोल के, वो कभी नहीं बोले मेरे को, स्कूल में से निकले अब तक नहीं बोले कि हमारे दादी दिए इसमें, वो पूरे 10 साल टीचर्स के जूते होते खाते रहे हमें, अगर मेरे को मालूम रहता कि हम ना दिए स्कूल पलटा के मारता था हमें लोग तो मे बी दे न्यू दैट, सो नोबडी टोल्ड मी टिल आई पास आउट, पास आउट भी एक दो साल के बाद बोले कि स्कूल में अपन दिए इसमें हुई जब तक जो सो तकरीबन मेरी आज ही जिंदगी नील डाउन करने में हो गई असेंबली के बाहर लेट आने के लिए इसके उसके लिए, बिकॉज दे डिडंट वांट यू टू नो योर स्पेशल, माय फादर वाज ऑन द बोर्ड दे नेवर टोल्ड मी। आप अभी बोल रहे थे शैंडलियर पहुंचने के लिए इतने इतने लोग थे और शैंडलियर के साथ जो स्टोरी है हम सुनते हैं, जब महबूब अली खान किंग बने, महबूब अली खान इज कंसिडर्ड अ सेंट मोर बाय हिंदू पीपल देन मुस्लिम, मुस्लिम में वो अलाउड नहीं है सेंट वेंट बोलना किसी को, खाली वो मुस्लिम समझो पहले छोटा अमाउंट है उसमें खाली 20% लोग वो सेंट वगैरह में दे कैन गो टू द ग्रेव एंड यू नो सप्लिकेट एंड आस्क फॉर फेवर्स वगैरह, बाकी मुस्लिम ने नॉट अलाउड डायरेक्ट गॉड एंड यू विल गो। तो सो व्हेन महबूब अली खान व्हेन ही बिकेम द किंग ही वाज ओनली 2 years ओल्ड, तो दे यूज टू हैव अ गार्डियन टू ब्रिंग हिम अप टू टीच हिम हाउ टू यू नो सोर्ड फाइटिंग टू गेट द राइट टीचर, हिस्ट्री कितना जानना, अकाउंट्स कितना समझ में आना उनकी अपब्रिंगिंग के लिए। तो जो सालार जंग है he was a nobleman, he was not from a royal family, so Salar Jung one, there were 3 generations of Salar Jung, the first one became his this thing guardian, so unka kaam tha inki dekhbhal karna aur unki teaching unka tarbiyat word aap urdu hai wo samajhte ki nahi tarbiyat unki karna unka kaam tha Salar Jung ka। to ek din ye nizam jo hai lakdi phira rahe the to lakdi haath se chhutke wo chandelier ko lagi to ek do uske wo tud gaye wo jo globes wagera rehte tud gaye to ino zara wo ho gaye I mean obviously he is a child no jo rehta nahi ekdam chandelier tod dala main to Salar Jung khadke dekhe unka expression dekhe he immediately called for a stick a longest stick and he told him ki break it break all the chandeliers to bachcha jijja gaya re todo varna kai ko bolne ki ho gaya to ino bole nahi I'm instructing you I'm ordering you to order to nahi bol sakte they couldn't say that school mein bhi unko jab padhate to aap galti kare to main directly main teacher hu aapko nahi bol sakta you are my next king तो आपके बाजू जो बैठा हुआ है उसको गालियां देते हैं सो यू रियलाइज दैट्स एक्चुअली मेंट फॉर यू बोलिए सो ही फील्स बैड तो दैट वाज हाउ दे यूज्ड टू देखो ये और एक स्टोरी याद आई स्टूडेंट्स में बाजू वाले को डांटते थे फॉर हिम टू रियलाइज कि दिस इज एक्चुअली फॉर यू बट आई कैन नॉट एड्रेस यू लाइक दैट हाँ समझाने के लिए उसको कर रहे हैं यू शुड ऑल्सो फील बैड कि उन्हें गालियां सुन रहा है मेरी वजह से बोल के वैसा भी था वो छोटे रहने टू मेक हिम एम्बैरस के बिकॉज ऑफ यू ही इज गेटिंग डांटी तो इनको 2 साल में इन्होंने पूरे शैंडिलियर्स रूम में 10-12 जो भी थे तोड़ा दिए तो लोग पूछने लगे कि क्यों तोड़ रहे थे खूबसूरत चैंडलियर कोई रीजन तो होना वगैरह तो नहीं आप ठहरिए बोल के जैसा साला जंग उनके लोगों को बोले जो सवाल कर रहे थे कि आप ठहरो मैं समझा दूँ तो आफ्टर ही ब्रोक ऑल 12 दे आस्क्ड हिम नाउ कैन यू से व्हाट द स्टोरी इज ही सेड दिस मैन इज सपोज टू रूल समथिंग द साइज ऑफ अ कंट्री हैदराबाद वॉज समथिंग लाइक 3 lakh kilometers या हैदराबाद ये सिटी है जब सिटी नहीं था ना हैदराबाद सिटी भी सिटी था लेकिन फ्रॉम क्या बोलते कर्नाटका टू महाराष्ट्र इट वॉज हैदराबाद It was bigger than most European countries. So he said, this boy is supposed to look after all that. He's not supposed to get perturbed. कि छोटा चीज से disturb नहीं होना चाहिए. यार ये क्या बोलते हैं chandelier गया या ashtray टूट गया. तो ध्यान इधर भटक गया. तो 5 minutes के लिए he's supposed to look after something a million times bigger than that. So he's not supposed to get distracted with these small things. So he should खाली बोलने से वो feeling बच्चे में नहीं आएगी. तो I made him do that. So he knows क्या बोलते हैं he gets that feeling. And that is nothing for a lesson. तो लेसन रहता ना भाई एक लाख का लेसन देने क्या जरूरत मुंह से भी बोल सकते बट ही थॉट इट्स वर्थ अ लेसन टू टीच हिम 1 lakh गए तो गए जस्ट टू गेट दैट बिकॉज इट सेव यू 20 lakhs लेटर यू नो सो ही डजंट गेट इन्वॉल्व इन पेटी थिंग्स जैसा वो चैंडलियर्स फॉर देम वाज पेटी
तो समझना मुश्किल है ना उनके लिए, तो उसको फील कराने के लिए कि तुम क्या चीज है बोल के रसा, तो दैट इज वन ऑफ द स्टोरीज, प्रैक्टिकल लेसन, प्रैक्टिकल फीलिंग, टू ट्रेन हिम टू बी लाइक अ किंग, यू नो, फील लाइक अ किंग, टूट गया तो टूट गया मेरा, यू नो, कोई बड़ी चीज नहीं. और एक बहुत मेरे भाई, आई स्टे विद द यंगेस्ट डॉटर ऑफ महाराजा पटियाला एंड दिल्ली, तो दे वेट दे यूज टू टेल मी स्टोरीज अबाउट ऑल दिस. वो जमाने में मेरे घर में नहीं बोले, या तो बोलना समझे मेरे को ऑलरेडी मालूम, या दे डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट, समझा, बिकॉज वो रहता नहीं, वाई वाई टॉक अबाउट समथिंग विच यू डोंट हैव नाउ. तो व्हेन आई स्टेड विद देम दे यूज टू टेल मी लॉट ऑफ स्टोरीज. एक स्टोरी में क्या है कि ये क्रिस्टीज जो और एक ऑक्शन हॉल है ब्रिटेन का, बहुत बड़ा, वर्ल्ड में टॉप है वो एवेल्यूएशन वगैरह, तो वो लोग जो सो कुछ लाके निज़ाम को ज्वेलरी बेचना चाह रहे थे, तो लाके वो डब्बा लेके आया, लाके एक डायमंड लाके बोला कि ये ब्लू डायमंड है, ये ब्लू डायमंड बहुत रेयर रहता, उसमें ये साइज़ का फिर नहीं रहता, वो साइज़ का रहा तो फ्लॉलेस नहीं रहता, उसमें कुछ तो भी इंक्लूजन आ जाते, कुछ धब्बा आता, कुछ तो भी, उतना परफेक्ट डायमंड नहीं मिलता वगैरह बल्कि लाके उनको दिया. तो और बहुत मुश्किल से उसको अपॉइंटमेंट मिला था. तो एनीवे निज़ाम जाके क्या बोले, वो डायमंड देख के उनके कोई काम वाले को, वही अटेंडेंट को बुलाए, वो खासिम वासिम बोल, जाके वो डब्बा नंबर 77 कुछ या 76 लेके आ बोल. तो वो डब्बा लाया, लाए तो इन्होंने क्या करे, वो डब्बा खोल के इसका सतबीस का क्रिस्टीज का डायमंड डाल दिया उसमें, डाल के बंद करके बोले पहचान तेरा डायमंड कौन सा है, इन्हें बोला वर्ल्ड में एक ही है. वो खोले तो पूरे डायमंड जो चीज है वहाँ पे, समझा, वो डब्बा ही वो टाइप के डायमंड का है. एंड दैट गाय वाज अ वेरी, क्या बोलते हैं, वेरी इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, ज्वेलरी एंड ऑल दैट, सो ही रिमेंबर द डब्बा, उसमें 10-12 डायमंड वही टाइप के थे. तो ये क्रिस्टीज वाला बोल ही नहीं सक रहा था कि मेरा कौन सा है, जो बोल रहा था ना रेयर स्टे वैसा कोई रहता ही नहीं, दूसरा मिलता हुआ. तो इन्हें परेशान हो गया, तो फिर निज़ाम लेके बोले ये तेरा डायमंड है, अब ये लेके जा और तो फिर यहाँ पे आके मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना बोल के. तो दैट इज वन ऑफ द स्टोरीज. जेकब डायमंड ऑल्सो, इट वॉज स्टोरी इज नॉट फ्रॉम द अपने गोलकोंडा माइंस का नहीं है शायद वो, और या माइंस का था, इट वेंट टू अगेन पटियाला और सम क्या बोलते हैं पंजाबी किंग्स, तो वहाँ से फिर ये इन्हों खरीदे शायद महबूब अली खान. तो वैन महबूब अली खान डाइड, उनको जूते में मिला, वो जूते में मर गए, तो वो बाउंस होकर गिरा था, ही वॉज यूजिंग इट लाइक अ पेपर वेट. पेपर वेट कैसा यूज करते हैं आपको, तो पूरे काम आए वहाँ. भाई साहब, जो हैदराबाद में हम देखते हैं, हाई कोर्ट है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया हॉस्पिटल, ये सब निजाम्स के ही है, निजाम्स के बने हुए. तो वो भी कुछ सुनाइए कैसे. एक स्टोरी मेरे को मालूम, वो तो यूनिवर्सिटी है इमीरेट, दैट वाज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड व्हिच वाज व्हिच हैड अ लोकल लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में. मे बी दैट टाइम क्या था नहीं मालूम, ब्रिटिश थे नहीं मालूम, बट उर्दू में पहले दैट लैंग्वेज वाज फर्स्ट ऑफ ऑल पर्शियन, बिकॉज ये गोलकुंडा वाले पर्शियंस थे. तो लैंग्वेज ऑफ पर्शियन टिल 1873, और 2-3 साल में उसको उर्दू कर दिए. दैट वाज अगेन महबूब अली खान, सिक्स निज़ाम, उसके पहले पर्शियन था, देन ही मेड इट उर्दू. सो तो उर्दू यूनिवर्सिटी को लेते हैं, दैट इज अ पेक्यूलैरिटी के लोकल लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी थी वो. ओके जी. देन ही मेड हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट, बट दैट्स नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दैट्स हिज जॉब, ही इज अ किंग, उनका काम ही चाहिए वो करना. तो सब गवर्नमेंट स्कूल बनाए तो क्या बनाना ही चाहिए. तो ही मेड दैट. एंड अच्छा, और एक एक जगह पे व्हेन दे मेड प्लान्स फॉर क्या बोलते सी द लास्ट किंग, उतना उन्होंने उस्मान अली खान को उतना सेक्युलर नहीं बोलते, बिकॉज रजाकार वगैरह बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गए थे एंटी हिंदू लास्ट 2-3 साल, 7-8 साल, दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, बट दे रूल्ड फॉर 220 ईयर्स इन निजाम्स, ओनली इन द फैग एंड ओनली द लास्ट 7-8 ईयर्स ये रजाकार वगैरह, एंड रजाकार वे अनरूली, दे इवन द निज़ाम को कंट्रोल देम, निज़ाम वॉज वेरी सेक्युलर, बिकॉज ऑल इज प्राइम मिनिस्टर्स, इस कोतवाल वाज वेंकटराम रेड्डी, कोतवाल वो तो पुलिस चीफ भाई पूरा, और प्राइम मिनिस्टर्स आपके क्या नाम है, राजा, 2-3 राजा थे ना वो मशहूर, आप एकदम याद नहीं आ रहा नाम, एक्चुअली हिज नेम इज मोर फेमस देन चंदूलाल, बट व्हाट आई एम सेइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशंस वर गिवन टू हिंदूज, इट वाजंट लाइक टोटली. सो ही व्हेन ही ट्राइड टू मेक द हाई कोर्ट, दे मेड अ मैप फॉर हिम टू शो कि ऐसा रहेगा, मॉडल बनाते रहे आप. तो उसमें ओरिजिनल, उसमें एक टेम्पल थी वहाँ पे, तो व्हेन ही वाज वेंट टू इंस्पेक्ट, जब फाउंडेशन ले करने गए, फाउंडेशन वगैरह डाल के वो रिबन कटिंग जो भी वो जमाने में मे बी यू नो दे यूज्ड टू हैव अ प्रेयर और समथिंग, तो ही नोटिस दैट टेंपल इज मिसिंग, तो इमीडिएटली आस्क्ड वेयर द टेंपल इज. तो ही सेड नहीं साहब, हम लोग हटा दिए, जैसा होता था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आता तो हटा दिए. ही सेड ये जस्टिस की जगह है, यू आर मेकिंग अ कोर्ट हियर, हाउ इट शुड बी फॉर जस्टिस फॉर एवरीवन, यू कांट बिगिन विद लाइक रिमूविंग अ टेंपल व्हिच यू नो एग्जिस्टेड हियर, एंड टेंपल इज सैक्रोसैंक्ट, यू कैन नॉट मूव इट. सो ही मेड देम रिप्लेस दैट टेम्पल, वो छोटी मोटी टेम्पल थी, वो पतरे तरह थे हटा दिए थे. तो ही मेड श्योर दैट द टेम्पल वॉज पुट बैक, एंड दैट वॉज द लास्ट किंग वॉज नॉट इवन नोन टू बी सेक्युलर. उससे पहले वाले तो टोटली, मैं बोला ना, वो तो टेम्पल्स में जाके भी पढ़ते थे वो. पुरानी हवेलीज वो वेज जहाँ पे महबूब अली खान, तो सिक्स निज़ाम ऑनवर्ड, उसके पहले वॉज चौमेला,
चौमेला वॉज फाइव जनरेशन, फाइव निज़ाम पहले वहाँ पे वहाँ से रूल करते थे वो. उसके बाद देन दे शिफ्टेड टू पुरानी हवेली, मे बी बट मोर क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस, लाइक जैसा अपना सेक्रेटेरिएट है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उसका, साइंस का, इसका, कंस्ट्रक्शन का, तो मे बी दैट हैड मोर क्या बोलते हैं किंग कोठी में दैट्स आफ्टर पुरानी क्या बोलते हैं चौमेला, इट वॉज पुरानी हवेली. नो पुरानी हवेली से नो दे शिफ्टेड टू पुरानी हवेली, स्टेड देयर, देन ही शिफ्टेड टू फलकनुमा. लास्ट फ्यू डेज बिफोर ही डाइड ही शिफ्टेड टू फलकनुमा, बट फलकनुमा वॉज मोर लाइक अ रेजिडेंस, इट वॉज नेवर लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ही जस्ट लाइक बींग देयर एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड देन आफ्टर दैट अगेन इट बिकेम किंग कोठी, द लास्ट वन वॉज किंग कोठी, लास्ट वन वॉज किंग कोठी जहाँ से रूल करें और है ना वो इंतकाल भी वहीं चौन, उनके माँ की खबर वगैरह पूरे वो बाजवी छे उसके. What we hear is that when he passed away, he had one favorite daughter who never married, and she was always devoted to him. Something Pasha her name was. So when her father died, she didn't declare the death. So जो भी करना रहता ना transferring ये वो सामान वामान इधर उधर करने का, जो सो चार घंटे के बाद उन्हों अनाउंस करे के गुजर गए. तो दे फील के वो चार घंटे में थिंग्स वे मूव्ड आउट, जो वैल्यूबल्स है वगैरह जो भी करना है सो. और वो इतना अजीब है दैट लेडी नेवर मैरिड, शी एक बच्चे को पाले वो मुस्तफ़ा बोल के, वो बच्चा रातों रात गायब हो गया, एक जैसे एक शिकार को गया, ये गया वो गया, बट ही जस्ट डिसअपियर कम्प्लीटली, पाला हुआ बच्चा. एंड ही वॉज दैट बॉय वॉज नेवर फाउंड, टिल डेट इज नॉट फाउंड, एंड येट ऑल द थिंग्स शी वुड हैव टेकन अवे. जैसा बोले ना चार घंटे लेट डिक्लेयर करे तो पूरे वैल्यूबल चीज़ होंगे, कुछ भी नहीं मिले, उनके नहीं भी नहीं मिले, उन्हें भेज दिए थे या कंट्री के बाहर लेके चले गए. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स जैसे कि मुकरम जो ऑल्सो टुक टू फ्लाइट्स ऑफ, दो प्लेन भर के सामान लेके गए बोलते हो जी हाँ, पर वो बोलने के भी रहता ना वो कितना सही कितना झूठ वो भी नहीं हो सकते, पर लेके गए होंगे भी यहाँ तो है ही नहीं गए कुछ भी, पर वहाँ पे भी इज इन अ बैड स्टेट. वहाँ पे भी ही बॉट बोलते ना कि उन्होंने एक एस्टेट खरीदे इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आप प्लेन में छोटे प्लेन में गए तो भी एक 10 मिनट लग रहे हैं इधर से उधर जाने, उनके क्या बोलते घर के ये कोने से होकर, पर वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी जगह है, खुली जगह है, वहाँ वैल्यूबल नहीं है ज़मीन, खुला खुला है वहाँ पे. जैसा पॉपुलेशन मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर में 6 लोग हैं, यहाँ पे मैं समझता हूँ 1 मीटर में यहाँ पे 10 मीटर में 6 लोग हैं शायद. तो वहाँ पे ही बॉट दैट, बट ही शुड हैव हैड अ लॉट मोर मनी इफ ही रियली क्लियर्ड हिज फादर्स सामान आउट, बिकॉज ही वॉज अ सक्सेसर डायरेक्ट, ही वॉज मेड किंग इवन बिफोर द प्रीवियस किंग डाइड, ही नेवर गॉट टू रूल बिकॉज वो रूल के लिए ठहरे शायद, बट उनको डिक्लेयर हो गया था. नॉर्मली कोई मरते वक्त या मरे बाद से डिक्लेयर करते समझे आप, या उसके बाद ही अनाउंस होता है, यानी पहले मैं मरने के पहले ही लिखना पड़ता ना, मरे बाद से नहीं लिख सकते. सो तो यू से दैट, बट इट्स अनाउंस आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. इनका जब भी वो हो गया था कोरोनेशन वगैरह हो गया, बट ही वॉज लाइक अ स्टैंड बाय, तो ही हैड ऑल द पावर्स. अब उस पर भी झगड़े चल रहे हैं बिकॉज वहाँ पे वो फैमिली में लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर बोल के रहता, प्राइमोजेनेचर तो पहली पैदाइश. तो जैसा मेरे 4 बच्चे, अब मैं 4ों में बांट दिया तो वो छोटा होगा, वो 4 जाके और 4 बच्चे जन लिए तो 16 हो जाते, होते होते एक एक स्टेट बिल्कुल आपके, आप एंड में देखे तो एक एक कंट्री इसकी होती हो जाएगी आपके आश्रम की होती. तो यू कैन नॉट डिफेंड, तो व्हाट दे यूज टू डू इज द एल्डेस्ट ब्रदर गेट्स इट ऑल, दूसरों को कुछ तो भी गुजारे के लिए दे देते थे समझे आप लोग. तो अब वो खत्म हो गया ना, अब नाउ इट्स लाइक मुस्लिम लॉ प्रिवेलिंग इन द कंट्री, कंट्री में एवरीबडी इज इक्वल नाउ. सो नाउ एवरीबडी इज फाइटिंग से कि उनको कैसा दे रहे हमको भी दो लेंगे, हमको भी बांटो बराबर. लेकिन क्या है वो गवर्नमेंट और मुकरम जा मिलकर बांट ली हर चीज, सो आई डोंट थिंक दे कैन रिवर्स इट. एंड मुकरम जा नाउ 97 ईयर्स ओल्ड, उनकी मेमोरी भी नहीं है, आप कुछ भी पूछे तो मेरे को याद नहीं है बोल सकते हो इजिली, एंड मेडिकली ऑल्सो ये कैन प्रूव सही भी याद नहीं है यू नो. तो 97 ईयर्स एंड एज में आई थिंक इज सफरिंग फ्रॉम एल्जाइमर्स, वो पहले से इंट्रोवर्ट थे, वो बात ही नहीं बहुत कम करते, तो दैट्स अ लॉस्ट केस. लॉट ऑफ फैमिली इज फाइटिंग नाउ ओवर दैट ऑल्सो. पूरा ही टाइम था उनका, जितना भी टाइम था ही वॉज रिचेस्ट जितने, हाँ हाँ नहीं वो थे, ही वॉज डिक्लेयर्ड दैट टाइम, पीपल हैड अ वे ऑफ टैब्यूलेटिंग नो. पहले किंग्स किधर किधर ही थे इंडिया में, आप इंडिया बोलते, इंडिया इज क्या था, 500 किंग्स थे वहाँ समझे आप. इंडिया क्या है, खाली एक जोनल एरिया है जो दो तरफ पानी है, बीच में है तो उसको इंडिया बोल रहे हैं. इंडिया बोल के एक चीज़ थी नहीं ना, जब ब्रिटिश आए तो 560 डिफरेंट वो थे क्या बोलते हैं डायनेस्टीज रूलिंग थे. तो इंडिया का कॉन्सेप्ट ही किधर था, हर एक एक से एक लड़ सकते थे, कुछ भी था, कोई एक दूसरे को मिलके समझता ही नहीं था ना. वो सब जने अपनी अपनी प्रोटेक्ट कर ले रहे थे, और चांस मिला मैं स्ट्रॉन्ग होगा तो बाजू के 3 के ऊपर कब्जा करके उनको भी अपने में मिला लेता था. तो किंगडम टू किंगडम कोई ब्रदरहुड नहीं था, वो पावर ही देखते थे. और वो नॉर्मल था, आप जैसा आपका बिजनेस बड़ा थे, आप जाके आप शेयर्स खरीदते कोई बड़ी कंपनी के, वो जमाने में शेयर्स क्या थे, आपने बड़ी आर्मी ले तो आप जाके ले लेते थे, और आपको यू विल बी डिक्लेयर्ड एज अलेक्जेंडर द ग्रेट. खाली क्या बोले तो आपकी आर्मी ज़्यादा पावरफुल है, सामने वाले को मार के छीन लिया उसका,
कोई उसमें वो ही नहीं है, जस्टिस ही नहीं है, लेकिन वो था, वो रूल ही वैसा था वो। अब आपसे अब देखे तो ऐसा जीता, अरे कितने जाहिल थे, कितने वो थे भाई। बट आप सोचो ये सिविलाइज्ड काइंड ऑफ वे ऑफ प्रोग्रेसिंग योर कंपनीज ऑन ऑल दैट, खाली कितना है बोलिए 600-700 साल से हो, उसके पहले क्या था, वो तलवार से ही चलता था वो, समझे ना। अलेक्जेंडर क्या था, वो दूसरे नेपोलियन क्या था, खाली खाली जाके आप खाली मेरी आर्मी पावरफुल है आपसे तो मैं आपके टेक ओवर कर लेके आपको या तो मिला लेता हूँ या तो आपको कहीं जेल में डाल देता हूँ या क्या बोलते गैबीज करा देता हूँ, कुछ भी कर सकते थे वो। इवन मुगल्स को तो ब्लाइंड कर दिए थे उन्होंने, सोचा आप इज एम्परर द ब्रिटिश ब्लाइंडेड हिम नो, दे पुट हिम, दे डिडंट इवन अलाउ हिम टू बी बरीड हियर। वो खबर पे जाके लोग सेंटिमेंटल हो जाएंगे बल्कि उनको कहाँ की दूसरे कंट्री में लाके गाड़ दिए। तो उन्होंने लिखे भी ना, 2 गज जमीन नहीं मिली मेरे क्या बोलते उसके लिए, विसाले यार में वो सम पोएट्री ही रोट दैट। तो ये बोला मुगल, आई मीन आफ्टर ऑल, बट वंस यू आर डिफीटेड, यू आर डिफीटेड, यू कांट क्रिप, हार गए तो आप जान बच गई, सो बहुत बड़ी चीज़ है। अब मेरे जो फर्स्ट कजन मेरा गालिब बोल के है, ही वॉज इन यमन, तो दे ओवरथ्रू हिम व्हेन ही वाज किंग व्हेन ही वाज 14। एक दो साल के बाद वो रेबेलियन आ गया, उसको हटा दिए, हटा के दूसरे लोग दे टुक ओवर यमन। सो आफ्टर सम टाइम इट बिकेम अ पॉपुलर गवर्नमेंट, जैसे अपना जैसा इंडिया है, वो थोड़े दिन बन गया था वो, तो उनको उनके पैलेसेस वगैरह वापस करने बुलाए। तो व्हेन ही वेंट टू दिस थिंग, बीबीसी वाज कवरिंग दैट होल इवेंट, तो वहाँ पे कुछ 3-4 लाख अरब्स उनको रिसीव करने आ गए, और वो अरब्स को शौक है, वो हवा में पटाखे छोड़ने के बदले उन लोग गन्स फायर करते हैं वहाँ पे। तो गन्स वैसा कोई वो नहीं है, कोई भी जाके आप जैसा किचन वेयर खरीद सकते हैं, वहाँ गन्स खरीद सकते हैं। तो दे कीप फायरिंग इन द एयर जस्ट वो पटाखे जलाए वैसा। तो जब 4-5 लाख अरब्स आ गए वहाँ पे, तो गवर्नमेंट डर गई कि फिर रेवोल्यूशन ला सकता है, नहीं वो पॉपुलर इतना है कि फिर से उन्हें कुछ कर सकता ना, यू कैन ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। तो दे पुट हिम इन सम दिस थिंग, क्या बोलते होटल का फ्लोर बुक करके उसको, दे रिस्ट्रिक्टेड हिम टू दैट होटल। गाइस दे हैव अ फंड बिटवीन किंग्स लाइक एन इंश्योरेंस, कि आप हार गए तो मैं थोड़े पैसे सब जने पैसे देके आपका संभाल लेते। बट ही इज लाइक अ वेरी मॉडर्न गाय, इज फ्रेंच दिस थिंग एजुकेटेड, बट ही बिलीव दिस थिंग इन इस्लाम दैट टिल यू आर लाइक यू नो केपेबल ऑफ वर्किंग, यू शुड नॉट लिव ऑन डोल। जो भी आपके लक में है लक में है, जब तक कि आप माजूर नहीं हुए यू कैन नॉट एक्सेप्ट आर्म्स। So he started one travel agency in England in Jeddah, and he survives like an ordinary person. Rather than, you know, he can still have a palace, you know, like that's the condition where if one sheikh falls, the other sheikhs are supposed to take care of him. And take care of him doesn't mean khali khana pani type, like some level that out. He refused all that. So. Yeah. Last mein aur ek question puchna chahte hain. निजाम्स का और मुगल्स का जी क्या रिलेशनशिप था, क्योंकि बहुतों को मालूम नहीं रिलेशनशिप। जी जी बहुत था उसका बैकग्राउंड था थोड़ा, तो मेरे को भी रिसेंटली मालूम हुआ कि दे वे विद द मुगल्स फ्रॉम क्वाइट सम टाइम बिफोर द मुगल्स केम टू अटैक द साउथ। साउथ को अटैक करने ये गोलकुंडा को बहुत जमाने, आई थिंक दे ट्राइड फॉर 40-60 ईयर्स, दे कुड नॉट टेक ओवर गोलकुंडा। देन दे से यू नो समबडी डिसीव्ड, जो गेट पे जो रहता था उसको पैसे खिला दिए, उन्हें गेट खोल डाला रात को, समथिंग लाइक दैट। But it took a long time. I don't know whether Aurangzeb came till here, but these guys were the क्या बोलते regent भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं, जैसा they were army generals who brought the force to defeat the Qutub Shahi kings. And after they took over, they were you know treated as a regent. Regent is another word, जैसा what is that college women's college में जो है देखो आप वो that big building is called जी हाँ he was a resident. He was like a क्या बोलते resident general of Hyderabad, the Nizam. After some time the Mughals got very weak because they became more comfortable. So they got taken over by some other force. But Nizam was still strong. So one time he actually went back and reinstated the Mughals also. Then he came back and second time they got toppled. He was you know, no choice but to become declare independent because boss hi gayab ho gaya. I mean he didn't declare ke main independent hua. Jo control center tha wo hi gayab ho gaya was. So automatically he became the king. And he didn't want to say because wahan pe wo loyalty ka bol rahe the, lesson to the children here. Loyalty was क्या बोलते respected a lot, given a lot of this thing how to जैसा जो governors वगैरह रहते थे हैदराबाद के, they were not so much of capability, उनकी वो क्या बोलते वो loyalty पर रहता था, वो loyalty और यो sense of truth and justice उस पर रहता था। तो निज़ाम वो destroy हो गया बाद से भी, he didn't want to say I'm a king because you know he was actually his boss was supposed to be king, so he can't call himself king as a disrespect to his bosses. So he designated that dynasty as a Nizam. Actually, it's Asif Jai dynasty, there's a family, but he declared it as a, the Nizam dynasty. Nizam bole to uska maqsad kya hai, bole to the law, but he never called himself king. That was the original law of why he didn't say he's an emperor. Because yahan pe kitne ki kings hai na, yahan chote mote rajwade wagera bahut hai, Nizam ke under hi koi 23-30 kings hai ye area mein. You know, Vanpati, Gadwal wagera, they all like small time kings.
So, but he should be emperor then. Utte king is niche, so he is an emperor. But he never said he is emperor. He just said, he didn't want to use the word. That was out of loyalty, which was given much more. Paison se zyada value tha wo. Loyalty kisi ko dena. Paison se badi baat thi wo. Wo jeetna samjho, respect jeetna. And people also respected you for that. Wo paison se zyada value, aap bol rahe the na, bachchon ke liye kya hai? Paison ke zyada value izzat ki thi. Izzat, reputation and you know, proving you are a man or you are a man of your word. A man of honor, that was more important than money. Loga jaisa kya bolte hai, gareeb bhi ho jate the, but they used to maintain their standard because that was considered with you know dignity. Ab aap kitne bhi dignified rahe ho, aapke paas paise nahi rahe to aapko koi poochta bhi nahi. Paise rahe na, aap chor rahe ki bhi, main abhi samjha raha tha. Vijay Mallya abhi bhi aaye to usko izzat se kahin to bhi bithate, acche zameen pe baitho ya kone mein baithe, nahi bolte ho chor hai bhai, samjha. तो बिकॉज इज अ बिग क्रूक, छोटा मोटा रहा था, मैंने कोई समझो टेम्पल के सामने से चप्पल वप्पल चुरा लिया था उसको, मार के गेट करने भी नहीं आने देते, तो छोटा चोर रहे तो ही इज इन अ बैड स्टेट, बड़ा चोर इज तो वो जमाने में ऐसा नहीं था. यू रादर बी अ स्मॉल मैन, यू वुड स्टिल गेट रिस्पेक्ट, एंड मनी वॉज नॉट रिक्वायर्ड देन, रिस्पेक्ट वॉज समथिंग, इट हैड अ वैल्यू, इट हैड अ व्हाटएवर, यू नो, जो आप नहीं है समझो. आप पैसे हैं तो सो गए, आप कैसा लाए वो कोई नहीं पूछता. पहले आप समझो गलती से आप करोड़पति भी होंगे, थोड़ा मालूम होगा कि आप यहाँ वहाँ गलत काम करें तो लोग यहाँ पे थूकते थे, वो बिल्कुल आप वो हो जाते थे, यू वुड बी क्या बोलते ऑस्ट्रसाइज इन सोसाइटी समझो. तो वो वैल्यू आप याद नहीं आ रहा था बोलने, आप वैल्यू हाउ टू कन्वर्ट इट, नाउ आई एम टोल्ड यू के व्हाट इज द लेसन टू द पीपल, द डिफरेंस बिटवीन देन जब और अब में वैल्यू सिस्टम. So value system was very strong. Royalty बता रहे थे ना कि जो ज्वेलरी भी गिर जाती थी तो उठाते नहीं थे. That's what you said. No, she also said here. We were trained not to pick up things. आप भी बोले हो? हम लोगों को भी बचपन में सिखाते थे जो चीज नीचे गिरे उठाना नहीं. परंतु राजाओं के जमाने में ज्वेलरी भी गिरे तो कोई नौकर उठा के दे तो देख खुद नहीं झुकना नहीं है उठाने के लिए. महबूब अली खान नेवर रिपीटेड हिज क्लोथ्स, विच इज नॉट अ प्राउड थिंग टू से, बट लेटर इट गेट्स प्राउड बिकॉज जो भी कपड़े पहनते थे वो नेक्स्ट डे नहीं पहनते थे, बदल क्या बोलते दोहरा के नहीं पहनते थे. तो उनकी वार्डरोब जो है पुराने हवेली में है, तो इट इज द बिगेस्ट वार्डरोब इन द वर्ल्ड. वो भी डबल स्टोरी है, वो जैसा नीचे कपड़े यू नो नीचे कपड़े सिले हुए, ऊपर कपड़ों के वो क्या बोलते थान रखे हुए जिसमें सिलता, एंड ही नेवर्स टू रिपीट एंड जी हो. तो वहाँ पे उन्होंने आप जाके जब शॉपिंग को जाते थे महबूब अली खान, तो ADC वाज हिज जॉब वाज टू बी देयर. तो जब दुकान वाला निकाल के ऐसा कपड़ा खोल के बताता, थान निकाल के बताता, तो रहता ना जाते ये निकाल देते वो निकाल देते आपको टेम्प्ट करने, आप देखे देखे तक आपको तीन लेना रहता ग्रीन कलर, उन्हें ये भी देखो साहब बोल के, नहीं ब्राउन भी रख देता येलो भी रख देता. तो इन्हों क्या करते थे, ग्रीन लेना है तो ग्रीन ले लेते थे, ग्रीन ब्लू जो दो कलर चुन लिए या जो पसंद आएगा, पर जो जो खोला उन्हें उसके पैसे दे देते थे समझे. आप जितने भी चीज़ें खोल के बताया वो पैसे दे देते थे. एंड एबिट्स जॉब वॉज टू बांटो दैट, जो जो चीज़ के पैसे दिए वो गरीबों में बांट दो बोल के. तो मे बी नहीं बांटा उन्हें, आबिद शॉप को लेके वहाँ बेच ले रहा था क्या नहीं मानो, सो यू कैंट से. बट वो जमाने में लोग लॉयल रहते थे. और एक डेंजर क्या था, आप गड़ गए तो आपको कुछ भी हो सकता. यहाँ पे क्या है, ट्रायल जो 9 साल चलता, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर कोई तो भी पार्डन कर देता, वहाँ पे वैसा नहीं है, सीधा ले आके आपको समझे आप सीधा ले आके लटका देते. तो बेसिकली तो पीपल वे लॉयल और चुनते थे, हजारों लोग आए उसमें और लोग लॉयल भी रहते थे. वो लोग भी ऐसे थे, यू वॉन्टेड टू बी लव्ड बाय देम एंड लॉयल. जैसा महबूब अली खान के एक कुछ चोरी हो गई थी कफलिंग्स की समझे आप, तो उसके जेब में से निकली किसी के, कोई जेब बल्ज दिख रहा था तो उनका कोई वो था, कोई नोबल आके बैठा, आके वो नौकर से पूछा वो क्या चीज़ है, तो इधर ला बोल के निकाला हो, निकाले तो उसके दो कफलिंग्स थे महबूब अली खान के. तो महबूब अली खान इमीडिएटली टोल्ड हिम, कह रहे मैं कल दे दिया, तू घर में नहीं रख के आया क्या बोल के, ही हैड नॉट गिवन, उन्हें चोरी करा था समझे आप. तो गरीब आदमी है चोरी करा बोल के, ही कवर्ड फॉर हिम, ही सेड के मैं तेरे को दिया था घर में नहीं रखा गया, फिर जेब में रख के आ गया. एक्चुअली चोर था, उन्हें पकड़ गया था, ही ऑल्सो लव्ड दैट गाय, ही मस्ट हैव रियलाइज्ड गरीब है. उनका मेन शौक वो था, जैसा लोग पार्टीज वगैरह में जाते थे, इनका शौक क्या था, गरीबों में फिरना रोड में फट्टे कपड़े पहन के. कई वक्त पुलिस वाले उनको भी पकड़ लिए और कई वक्त पैसे ले आते थे ना, अशरफी, एक अशरफी में मैं समझता हूँ एक गाड़ी आ सकती थी वो, जब गोल्ड कॉइन में, या दो तीन घोड़े आ सकते थे. तो वो अशरफी गरीब कहने कहाँ से आती, तो उनके नहीं सोचो पुलिस पकड़ी, तीन अशरफी निकले तो तू कहाँ से चुराया बोल के पकड़ लेते थे. Then they used to realize that he is actually the king, you know. Then they'd be shivering, but he used to say that you've done your job, you know. So he used to go and ask people, "Ke tumhara problem kya hai?"
तो एक औरत बोली कि मेरा बेटा भूखा है, मैं टिफिन ले जा रही हूँ, टाइम नहीं है तुम्हारे से बात करने, उसको भूखा मारती है, 8 घंटे की ड्यूटी है, कौन पकाएंगा, उन्हें अकेला है, मैं ले जा रही हूँ, ले गए जब तक भी मेरे को 3 बज जा रहे हैं. Some woman said that, and he was using foul language against the Nizami. This guy was a Nizam only. So next day, that woman like went crazy when she realized she's talking to the Nizami. She started shivering and shaking and all that. But he immediately took her advice. He immediately started some kind of a langar kind of a thing for all these people to be fed by that woman who cribbed. So his job was that, getting to the lowest kind of people. And he used to love doing that. That was his idea of entertainment. So many times he got locked up also, roaming around and... Especially when you find gold coins in a fakir's pocket. So nobody understands. No, he never can chori kara samajhte the. So that was one of his, kya bolte, greatness about him. Wo aap, Sarojini Naidu ka bolna tha. Sarojini Naidu to likhi ke yahan kai families hai, ke jisme ghar mein agar family member mar jata to utta un loga shock nahi rehte the, jitna ke Mehboob Ali Khan. And that letter is not purposely for publicity. She had a meeting somewhere. So she could not make it for the meeting. तो 3 days तक शी कुड नॉट गो. तो शी रोट सेइंग के कैनॉट कम, देन शी रोट द रीजन कि हम ना शॉक में है, यू नो दिस 3 days आई डिलेइंग इज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फंक्शन बिकॉज दैट मैन इज गॉन. एंड लॉट ऑफ पीपल आर इन व्हाटएवर वुड हैव रादर लॉस्ट अ फैमिली मेंबर. उसकी पब्लिश्ड वो है, अब कोई और माई बोल लिया तो फर्क रहता ना भैया, चलो वही फैमिली है, बोल रहा हूँ. सरोजिनी नायडू इज अ रिस्पेक्टेड एंड दैट विश्वेश्वरैया आई सेड इज अ साइंटिफिक मैन, सो दोस थिंग्स आर ऑफ वैल्यू. अब जैसा उनके मंदिर आया बोल के वो ब्रिटिश ऑफिसर किताब लिखा बोल के वैल्यू है, इंडियन लिखा तो पैसे देके लिखा लिए बोल कर था. एंड ही बिकेम द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे इज द बिगेस्ट गिफ्ट दे से नो द ब्रिटिश गिफ्ट टू इंडिया. रेलवे वो लोग ही लाए. नो वी हैव द सेकंड बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड आई थिंक. दैट्स वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश इन दिस रीजन. इट वॉज स्टार्टेड बाय माई ग्रेट ग्रैंड फादर. बट उनका जो वो था, उनका चीफ बना वो जो किताब लिखा, तो रेलवे का चीफ बोल दो, ही वुड प्रॉब्ली बी द बिगेस्ट ऑथराइज पर्सन आउट हियर, समझो डेजिग्नेशन उसका. तो उन्हें गलत तो नहीं लिखेंगे बोल के उसके क्या बोलते किताब का नाम याद नहीं आ रहा, मैं बोल सकता हूँ बाद में. तो समथिंग जोन्स, उसका नाम सिरिल जोन्स था. सिरिल जोन्स अकाउंट्स ऑफ सिरिल जोन्स या कुछ बोल के है. तो उन्हें वो डायरी मेंटेन करता था रोज, आज क्या हुआ, कितना लेबर गए, वो आज क्या क्या हादसे हुए, तो उसके किताब में है वो. सो अबाउट दैट एंड दैट इज वैल्यूएबल. देन द सरोजिनी लेटर्स आर वेरी वैल्यूएबल. एंड सरोजिनी भी अब पलटा देने कम नहीं है. सरोजिनी नायडू शी वॉज एजुकेटेड बाय द निजाम, ही पेड फॉर इट. हैदराबादी उर्दू के बारे में भी कितने अलग अलग ओपिनियंस है. नाउ दे आर सेइंग वो उर्दू उर्दू नहीं है, वो डेक्कनी बल्कि यहीं की जमाने है. इट स्टार्टेड बाय द मोगल्स, यूज्ड बाय द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया एंड द मोगल्स, देन इट प्रोग्रेस टू दिस. इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड बाय द आर्म जो फोर्सेस थे निजाम के नहीं, वही मोगल्स के, टू इंटरेक्ट विद पीपल. दे डेवलप दिस थिंग एंड इट डेवलप्ड इनटू डेक्कनी बल्कि राइट नाउ व्हाट वी आर यूजिंग इट इवॉल्व्ड इनटू दिस डेक्कनी लैंग्वेज. So they say it is neither like really Urdu or neither this neither that. Yeah, it is Urdu only, but it's some kind of a local. उसके भी theories हैं, अब तक भी उसके निकलते जा रहे हैं वो. I mean जो researches हो रहे हैं उसपे, this decennial के जो बोल रहे हैं ना, वो भी एक मैं समझता हूँ 5-7 साल से बोल रहे हो. पहले they thought it's adulterated Urdu, then they realize it's a mixture of you know lots of things. There's a lot of Turkish words, all the higher words which are not understandable by us, they're all Farsi words. सबको ब्रह्म कुमारी इसके बारे में अभी अपना जो भी उन्होंने यहाँ पर आकर के देखा और क्या उनको अनुभव हुआ वो वही बोल रहा था. कुछ जो आया पहले बोलो मैं आपके पहले नहीं बोलो मैं पहले भी आपके ऑडिटोरियम में प्रोग्राम्स को आया हुआ 2 या 3. एक तो एक महीना पहले ही था, कोई गाने का था, वो गाना और डांस था. देयर वाज अ डांस प्रोग्राम एंड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स वर मोहन हिमाडी वाली. ही डज अ लॉट ऑफ प्रोग्राम फॉर इंडियन क्लासिकल थिंग. सो द फर्स्ट इंप्रेशन इज गेट के अंदर आते ऐसा दिखता है कि कुछ एक अजीब ही उसका आर्किटेक्चर है, क्या है नहीं मालूम, या झाड़ ज्यादा रहने से, बट एक फीलिंग ऑफ वो तो है स्पिरिचुअल फीलिंग इमीडिएटली. और मेरे ड्राइवर से मैं ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करता, मगर अंदर आते ही मैं ड्राइवर भी बोला इस जगह में कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही हुई. तो दैट वॉज वन. एंड दैट ऑडिटोरियम तो ऑब्वियसली वॉज वेरी ब्यूटिफुल. फिर आप लोगों से मिले पास, देन आई हर्ड द बैकग्राउंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन अबाउट मेनी फैसेट्स ऑफ योर्स. रिलीजन डजंट प्ले अ मेजर रोल, और ऊपर से यू नो दिस lot of other things, like you know it's more of meditation and spiritual wagara, and I can feel it here. You can feel that aura out here. So ab jo main darta mere ko main shaadi nahi kara, aur ek hi cheez se darta hu ki jab boodhe hoge to kya honga. Log darate aapko company nahi aayegi, aur thode samjho aap thode hole shole baat karne lage aap Alzheimer ho ke, to log ha nazdeek aane ki bhi bhag jayenge ki bore karta bekar baat karta bhul jata kya bola. To wo mere ko ek hi dar tha wo dar nikal gaya yahan baat se cheez bhai. भाई भाई नहीं बोले क्या यहाँ पे आ जाओ बोल के, तो उसलिए डर नहीं करता.
और एक जगह पे यहाँ पे फीनिक्स ग्रुप बोल के है, फीनिक्स ग्रुप बोल के एक है यहाँ पे, एक शमशान है देखो आप, ये रोडा मिस्त्री कॉलेज के सामने चढ़ाओ पे विस्पे वैली में, महाप्रस्थान ओके, वो नाम हर वक्त याद नहीं रहता। उसके इनॉग्रेशन में मैं वाज आल्सो अ गेस्ट ऑफ ऑनर, इनफैक्ट दे मेड मी चीफ गेस्ट फॉर सम पुजारी हु ब्रोक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर डूइंग पूजा। जब मर जाते हैं ना हिंदू लोग तो एक पूजा होता, वो गरीब लोग पूजा नहीं करा सकते, तो वो डाउट रहता कि उसकी स्पिरिट भटकते रहेंगी वगैरह, तो ये क्या करा लाके वो तस्वीर पे करते, कैसा भी डेड बॉडी तो गए वहां से फोटो पे होती, तो ही कलेक्टेड 400 पिक्चर्स ऑफ दोस डेड यू नो डिस्ट्रीब्यूट बच्चे जिसके ने पैसे नहीं थे, वो पूजा करा उन्हें, तो उसमें मेरे को आई वाज वेरी ऑनर्ड टू बी अ चीफ गेस्ट बीइंग अ मुस्लिम, यू नो आई जस्ट फील थ्रिल्ड टू बिट्स लाइक इन सिचुएशन लाइक दैट, देन यू नो कि यू आर एक्सेप्शनल है, तो कहीं को बुलाएंगे मेरे को वहां पे, तो दैट प्रस्थानम ऑल्सो आप जाके वो जगह पे जाओ जहाँ पे ग्रेवयार्ड में, वो डरावनी फीलिंग होती, ग्रे रहता अंदर जाने डर होता, यू नो हैबत होती हो, कब क्या हो जाता कि वो उन्हें क्या करा उसको लेके उन्हें एक मॉडर्न टच दे दिया, मॉडर्न आर्ट के साथ, तो इवन बिल्डिंग्स भी मजा का सा टेढ़े बने हुए हैं वैसा, बिल्कुल कुछ फेरी टेल टाइप बना दिया फूला वूला लगा के, तो मैं अंदर जाके बोला मैं अब तक मरने से डरता था, अब थोड़ा मेरा 50% डर तो कम हो गया, मतलब ऐसा सुकून की जगह जा रहे हैं बोलते उतना नहीं है, यू नो बिकॉज दूसरी जगह तो इतने डराव नहीं रहते कि यू थिंक आप मर के पास से आपका स्पिरिट भी डरेंगे वहां पे रहने के लिए, खुद जिंदा रहे तो छोड़ो आप मर के पास से भी डरेंगे, वो इतने खतरनाक जगह रहते हो दूसरे खबर सामान जाने से रहते नहीं पुराने डिलैपिडेटेड, हाँ वही बिल्कुल, तो वहां पे भी मेरे को एक डर कम होगा मौत का, यहाँ आके बुढ़ापे का डर कम हो गया। तो मेरा आप राइट नाउ जो पोजिशन है मेरे दो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हुए, अदरवाइज दे सॉल्व इट विद योर रिलीजन, रिलीजन में क्या बोलते हैं कि आप मरे के पास से जन्नत दोजख तो आप रहता नहीं, यू फील वेरी कंफर्टेबल कि अपना तो कुछ अच्छा बुकिंग करी हुई है बोल के उसमें, दैट वे रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट मेक्स यू फील क्या बोलते हैं एलिवेटेड, योर मूड इज एलिवेटेड टिल द एंड, इफ यू रियली बिलीव इन इट एंड यू डन गुड, इफ नॉट डन गुड देन यू विल बी वेरी स्केर्ड लाइक मी, डर रहता बाद में क्या होता कि हिसाब किताब वगैरह का पूरी जिंदगी में अकाउंट्स नहीं करे हमारे पास से आके जो याद भी नहीं है कुछ भी लिख दरा करते गवर्नमेंट के साथ पैसे नहीं दिए तो आके पूरे नेगेटिव लेके सीधा क्या बोलते दोजख में ले आके डाल दरा से। हाँ दैट इज फर्स्ट एंड देन आई फाउंड अ प्लेस वेयर आई डाई, वो भी अच्छी जगह, दोनों जगह मेरा जो अब से जो आगे का फियर था, पहले इसके पहले शादी का था उन मिलती कि नहीं की वो फेस खत्म होगा, पढ़ाई का था रिपोर्ट घर को आ रही तो जाके गेट के ठहरे पोस्टमैन आया तो उसके पहले पढ़ के क्या बोलते फेल हो गए तो वहीं फाड़ देने, तो रिपोर्ट आते आपके छुट्टियां खराब हो जाती है आपको, इंस्टेड ऑफ हॉलीडे आपको ट्यूशन पढ़ाते थे, तो वो फेस खत्म होगा, शादी का फेस खत्म होगा, अब मेरे दो फेस जिससे डरता था मैं, एक तो बुढ़ापे का था और मौत का था, तो ये एक सॉल्व यहाँ पे होगा, पहले मौत का पहले सॉल्व हो गया था, अब वो पूरा सीक्वेंस में आ गया समझो, तो मेरे को कोई डर नहीं है। I'm like, you can say I'm covered from all sides, समझो। जी हाँ, वैसा हो जा रहा हूँ मैं slowly. My mother was बेफिकर queen because she was religious. She was so religious कि she had no fright of death at all. लेकिन समझे आप, जैसा when my father died, I was more worried how my mother is going to take it. And I was very worried. I loved my father a lot. तो मैं डरा हुआ था कि मेरे को क्या होता कि you know like mentally कुछ हो जाता क्या होता. So when I saw my mother's reaction to his death, she took it matter-of-factly as if it's part of the thing, you know. And I think religions teach you that. In Islam also, they tell you to go. Jo koi mar gaya, to aap jana aapka takriban farz ya sunnat banta. Almost like a duty. You're duty-bound to go to the house of someone whose, you know, family has died. So that time, they require your help also. And I think they send you there to know that, to make you realize that that's your end. So you accordingly, you behave in the world. You know, so you learn that you cannot take your belongings, you cannot be, should not be greedy, it's pointless. Oh, lesson ke liye bhi bhejte aapko ki tumhara bhi yahi hone wala hai. So religions are pretty clever that way. Only thing is unna loga usse clever hoke usko misuse kar rahe. To unme pure disruptions aa ja rahe ho. Otherwise it's all these things are made for the good of people only. एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में यही सिखाया जाता है कि आप पॉइंट ऑफ लाइट है, बीइंग है, वो कभी मरता नहीं है। दैट आई बिलीव दैट नोबडी टॉट मी दैट राइट इट्स माय ओन बी आई इवन राइट इट ऑन फेसबुक एंड आई एम अ मुस्लिम हेड ऑफ अ मॉस्क एंड ऑल दैट आई डोंट नो व्हाट माय फॉलोअर्स थिंक अबाउट मी आई पुट इट ऑन फेसबुक दैट आई एम पार्ट ऑफ लाइट एंड ऑल दैट दैट्स ऑल नॉट रिलीजियस एट ऑल एंड दे कैन ऑल रीड इट दे कैन रीड इट बट आई स्टिल बोल्डली पुट माय यू नो फीलिंग्स फॉरवर्ड। लास्ट में वो कहानी जो आप बता रहे थे आपके मदर जो है कैसे
ज्वेलरी बोरबंडा या मास्क में दिया है. See, charity, like you donate, like you put an ad in the paper with your picture saying you've done something great, या कुछ बड़ा काम करे आप, जैसा मेरे पास कुछ बनाए तो मैं कल पेपर में डाल सकता हूँ कि मेरे को I was honored today, deserves space in the newspaper. न्यूज़पेपर को आप पैसे दे रहे हैं लेकिन मेरी तस्वीर रही तो मेरे को रिटर्न मिल जाता है, I get publicity. तो when you also donate, तो one is डोनेशन आप करते तो लोग आपको, आपका नाम आ गया कि आप डोनेट करें तो लोग आपको थैंक यू बोले, आपको नमस्ते करे, रिस्पेक्ट दिए, तो देट ऑल्सो यू आर पेइंग फॉर योर रिस्पेक्ट. नो तो यू गॉट योर रिटर्न, यू आर गेटिंग योर पेइंग मनी बिकॉज यू हैव मनी, यू गिविंग इट, यू गेटिंग इट इन गेटिंग द रिटर्न इन रिस्पेक्ट, यू नो ट्रांसलेट इन टू रिस्पेक्ट. तो दैट इज नॉट अ, दैट इज नॉट अ डोनेशन, यू पेड फॉर गेटिंग द रिस्पेक्ट. रियल डोनेशन इज वेन नोबडी शुड नो हुज पेइंग. One more thing I forgot to tell you, I just remembered now, that's why I said I'll keep remembering when I never get to talk like this, so I have to recover lots of these incidents. So I was single, so all my brothers and sisters are 10 years older than me. So, and they also married late. My father married at 48, my brother married at some 40, and my mother also realized ki inhe to karta ki nahi, you know, because main to shuru se bolta tha mereko karna hi nahi hai, you know, that kind of thing. So whatever jewelry they keep aside for the children, when after she passed away, there's a note saying that she donated it to a mosque in some place called Borbanda, and she has no idea where is Borbanda. So I said, and I run a mosque myself, you know, but I like to do things which are directly helpful to the human, not ke mar gaye baad se wahan pe kya bolte hain aapke favors transfer hoenge. So I said, I wanted to say ke why didn't she give it to my mosque, you know, it'll be helpful, like I pay the imam, I pay for electricity and all that, why not here? And so somebody explained to my sister explained ke her idea of, you know, that Borbanda was okay, nobody should know who's the donor, the beneficiary should not know. The beneficiary aapko pura time aapki taraf grateful hai, respectful ho ja raha wagara, to it is not a pure donation, you are buying his respect, you are paying for it but you are getting a return. To uno utha ke wahan pe kharch kar dale. And after my mother passed away, my mother was a princess also, so a lot of people wouldn't disturb her saying ke uthao ya mai aaya bolke nahi bol sakte aap. So I can't come, suppose you are the princess, I can't come to your house and tell the servant ke tell her I've come. They keep sitting under one tamarind tree there. So somebody notices them and then the word goes, ke uno kai ko aaye bolto tabate kuch donation ke liye aaye samjho. So she used to donate money which we never knew. Aate the log paise lete the chale aate the. After she died, people started accumulating under the tree. Wo aa rahe ja rahe magar, because rehta hai mar gaye the uno. So whenever people came, they were given some rice or saris or something and they would go away. Yahan pe she was no more there. So people started coming, so we started running into those people because she used to be the main person home, right? Being a lady, we were all out working or something. So she used to handle them. So after she passed away, we used to ask, "Who are these people?" Later on, I found out that she used to keep donating people. वो जा के झाड़ के नीचे वो एक जगह बन गई थी. वहाँ पे आके बैठे तो she used to see them. उन्होंने जहाँ बैठते थे वहाँ से दिखता था वो. Though it was far between the gate and the gaps, she could see someone sitting. People sit. So you should send that, you know, take thaila rice for the family or something like that. So that was a regular thing she did without letting anyone know. So that is the true essence. Though I'm the agri party because, you know, because of that, I got shortchanged for it. Many times I told also, we were faded jeans aaye the us zamane mein. So faded jeans unko idea nahi tha, aur mehenge the wo. Correct jagah fade rehna, ye rehna, aur wo fade hone ke liye banate the, wo fade hone ke liye. वो स्टाइल बन गया था, दैट वाज अबाउट 25 इयर्स अगो. तो मेरे पूरे फेडेड जींस गायब हो जा रहे थे. तो ऑब्वियसली शी आस्क्ड मी, आई सेड नहीं नहीं ये बहुत महंगा है, ये कैसा देते वगैरह बोल के. तो व्हाट शी वाज डूइंग इज शी वाज टेकिंग अवे माय फेवरेट जींस. देखे तो क्या एक पोटली बनी हुई है, खोले तो पूरे मेरे जींस जो गायब हो गए. मैं बोला अरे ये क्या कर रहे हैं लेके, तो बाद में मालूम हुआ गरीबों को बांध दे रहे वो फेडेड है वो. अरे मैं बोला मेरे से पूछना, मेरी चीज है, हाउ कैन यू टेक माय थिंग एंड यू नो लाइक गो एंड गिव इट ऑफ टू समवन. इट्स कॉल्ड मिठाई की दुकान पे फातिहा, सुने आप कभी? Yeah. Normally when you do fatiha and give it to the poor, you buy it from the shop and then you give it. Samajh rahe na? Wo fatiha bolo puja ho ja karte hai. Ab ja ke directly dukan pe puja karte rahe ho. Without paying. So there's a saying in Hyderabad, you know, mithai ki dukan pe fatiha. Jo cheez apni nahi hai, dusron ko de de rahe. So I used to tease her about that. Ki mere cheez chura ke bech di ho. Chura ke garibon mein baant di ho. You could never make her understand why anybody would wear. But ab itte faded ho gaye ho ki wo aap mere ko bhi nahi samjha raha. Utte faded kaisa pehnte ho. You've seen them, ना वो बिल्कुल ही पीछे जो सो कलर निकला हुआ वगैरह. अब तो टोन भी आ गए पूरे, इधर टोन उधर टोन, मतलब पेनिश के खाली थोड़ा क्या बोलते और थोड़ा पटे तो उसकी फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है. कुछ छुपाने को रहता नहीं, कुछ छुपाने को दे वोंट बी इनफ मटेरियल. इतने फटे पहन रहे हो, टोटली फटे हुए पहन रहे हैं. यू वोंट बिलीव इट, यहाँ पे राजेश खन्ना जो अपने एक्टर थे,
तो उनकी देयर वाज अ गर्लफ्रेंड लिविंग विद हिम हु इज नॉट मैरिड, हर नेम इज अनीता अडवाणी. तो शी लिव्ड विद हिम एंड हिज वाइफ हैड लेफ्ट हिम, राजेश खन्ना. तो शी लुक्ड आफ्टर हिम फॉर 10 years, बट उसको बाद में हकाल दिए. तो नाउ शी इज राइटिंग अ बुक ऑन राजेश खन्ना. तो शी इज फाइंडिंग इट लिटिल बोरिंग. तो शी रेड माई वॉट आई राइट और माई रिलीजियस चीज़ों को भी आई मेक दम साउंड फनी, बिकॉज लड़ाई वड़ाई उड़ाते सीरियस साउंड करे तो मेक इट जोकिंग के जब लड़े हुए तो मजाक में उड़ा दे सकते हैं, ऐसा नहीं बोला था मैं ऐसा बोला था. तो शी रेड दैट ऑन फेसबुक. तो शी सेंड मी दोज क्या बोलते सम ऑफ द चैप्टर्स आस्किंग मी टू राइट इन माई लैंग्वेज टू मेक इट अ लिटिल मोर रीडेबल एंड फनियर और कैची फॉर अदर पीपल टू इंजॉय. तो मैं वो कर रहा हूँ, मैं हल्लू करते जा रहा हूँ उसका उसका ट्रांसलेशन. So if that book is published, it will be written more by me than her, samjho. Finally. तो आप जो मिलन सर या रमणीकता का मूर्ति है बहुत अच्छे से बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं. बहुत बहुत थैंक यू रौनक यार खान जी. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. सर पे लाल टोपी रूमी फिर भी दिल है हिंदुस्तान. तो ऐसे मसरत के मौके पर मैं एक लाइन भाई साहब के लिए सुनाना चाहता हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पर कई नए लोग मिलते हैं. जिंदगी के हर मोड़ पर कई नए लोग मिलते हैं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम मिलते हैं. एतबार ज़रा सोच के करना, एतबार कभी सोच के करना. मुमकिन नहीं कि हर जगह आपको भाई साहब जैसा मिलेंगे, मुमकिन नहीं कि हर जगह आपको भाई साहब मिलेंगे.